कृष्ण गौरक्षण सभा गोंदिया की ओर से श्री गोपाष्टमी उत्सव 2022 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में पूर्व विधायक राजेंद्र जैन ने संबोधन में कहा कि गोपाष्टमी पर गोवर्धन गाय और बछड़े और गोपाल की पूजा की परंपरा सदियों से चली आ रही है। सच्चे मन से गौ माता की सेवा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। गौ माता को धेनु भी कहा गया है, अर्थात धन की वर्षा करने वाले इस गोपाष्टमी के अवसर पर गोंदिया की गौशाला के इस कार्यक्रम के माध्यम से इतना ही निवेदन है कि सारे मतभेदों से ऊपर उठकर प्रत्येक राजनीतिक सामाजिक व गौ सेवक उन्हें प्रण करना चाहिए कि हम निस्वार्थ भाव से गौ माता की सेवा करते हुए इस श्री कृष्ण गौरक्षण सभा की उन्नति प्रगति व गौ सेवा के सर्वोत्कृष्ट कार्य करेंगे। नई कार्यकारिणी उत्साह के साथ काम करें, यह शुभकामनाएं व गौशाला की प्रगति हेतु सांसद प्रफुल्ल पटेल के स्थानिक विकास निधि से गौशाला की प्रगति के लिए 25 लाख रुपए देने का आश्वासन पूर्व विधायक राजेंद्र जैन ने दिया एवं अदानी पावर प्रकल्प से हम केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम में कुछ कार्य कराने का प्रयत्न करेंगे। राज्य के वरिष्ठ मंत्री व कर्तव्य दक्ष नेता राधा कृष्ण विखे पाटिल से अनुरोध है कि वे राज्य शासन के माध्यम से स्थायी सहयोग गौ सेवक के लिए प्राप्त हो। हम मंच पर बैठे सभी आमंत्रित गण गौशाला व गौ माता की सेवा हेतु हर संभव प्रयत्न करेंगे। इस अवसर पर राधा कृष्ण विखे पाटिल, राजेंद्र जैन, सुनील मेड़े, गोपाल दास अग्रवाल, विनोद अग्रवाल, अजय अग्रवाल, दामोदर अग्रवाल, शिव कुमार शर्मा, देवेंद्र नाथ चौबे, अखिलेश सेठ, राकेश वर्मा, आनंद अग्रवाल, शीतल मुरारका, बरखा चित्रका, भैयू चौबे, शैलेश वासनिक व कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी व सदस्य व विश्वस्त मंडल उपस्थित थे।